हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट ग्रेड वन की पोस्ट के लिए वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही बता दिया है कि NPCIL क्या होता है। असिस्टेंट ग्रेड वन में ही तीन तरह का आपका पोस्ट रहेगा, जिसके लिए अप्लाई करने का डेट है आपका लास्ट डेट 25 जून। 5 जून से ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड करके थॉरो आउट एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए। अभी देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 100 रुपीज़। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, या फिर किसी भी कैटेगरी के फीमेल यानी महिला कैंडिडेट है, तो आपसे कोई फी नहीं लिया जाएगा। चलिए देखें एज की क्या लिमिट होगी। पहले तो ये बता दूं कि किस डेट से एज काउंट होगा। एज ऑन 25th of June 2024, मतलब कि जो फॉर्म का लास्ट डेट है 25 जून, उसके अनुसार आपका 21 वर्ष से 28 वर्ष यानी 21 to 28 ईयर्स एज होना चाहिए। आप सभी को पता है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में अपर एज लिमिट यानी ये जो 28 वर्ष है उसमें छूट मिलता है। OBC को मिलता है 3 ईयर्स का, SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का। आई होप कि एज क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। फिलहाल देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए है 26 यानी 26 पोस्ट, EWS के लिए 18 18 सीट रहेगा, OBC का 4, SC ST के लिए आपका 5 सीट है। ओवरऑल सीट की अगर बात करूं, टोटल आपका 58 सीट रहेगा। आगे देख लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, मतलब कि आपका आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों में से कोई भी आपने सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपका मिनिमम 50% यानी 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। आई होप कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। अभी देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या है, किस किस स्टेज से गुजरना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स एग्जाम, देन आपका मेंस यानी स्टेज 2 एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, फिर जाके मेरिट लिस्ट में नाम आएगी और आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है 50 क्वेश्चंस के लिए, यानी कि 50 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। 150 नंबर के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। समय रहता है आपका 2.5, मतलब कि 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग 1 हो जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज देखें प्रीलिम्स में, तो जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से आपका 25 यानी 25 प्रश्न होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, जो कि क्वालिफाइंग होता है। जनरल कैंडिडेट को कम से कम 40% और अदर कैटेगरी वाले को 30% लाना है, तभी जाके आप स्टेज 2 के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। जो स्टेज 2 यानी मेंस एग्जाम होता है फ्रेंड्स, ये भी ऑनलाइन ही होता है। इसमें आपको 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेंगे। समय इसका 2 आवर्स यानी 2 घंटा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। सब्जेक्ट की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
फिर जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग का टेस्ट होगा। ये टेस्ट फ्रेंड्स आपका 10 मिनट का होता है, 300 वर्ड्स यानी 300 शब्दों की आपकी परीक्षा होगी। देखिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में होगा, दोनों ही लैंग्वेज का जो स्पीड है ना 30 वर्ड्स पर मिनट कम से कम होना चाहिए। तो जब आप ये पास कर जाएंगे तब आपको ऑल ओवर इंडिया में NPCIL के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए जॉब करने का मौका मिलेगा। इसका एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहता है, नियर बाय सिटी आपके जहाँ भी होगा वहाँ पर एग्जाम सेंटर रहेगा। अब बता दूं कि सैलरी क्या मिलेगी फ्रेंड्स। देखिए ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी पोस्ट होती है। इसके लिए शुरुआत में ही आपकी सैलरी 38,250 रुपये यानी कि 38,250 रुपीज़ है। बाद में ये सैलरी अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है, सैलरी बढ़ के आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, जाइए इसका प्रीवियस ईयर का सेट लीजिए, उसमें इवैल्यूएशन करिए बनाने के बाद कि कहाँ कहाँ पर आपका कौन सा चैप्टर वीक है स्ट्रॉन्ग है, उस पर वर्क करिए और मॉडल पेपर में अच्छा स्कोर करिए, तभी जाके आप अपनी सीट को अचीव कर पाएंगे। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अभी कहीं पर कोई डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, कमेंट करके क्वेरी को क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।